इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के मुस्लिम युवक की शादी को लेकर मंगलवार को फिर जमकर विवाद हुआ और हंगामे के हालात बने, लेकिन शाम तक हाईकोर्ट ने पूरे विवाद का पटाक्षेप कर दिया। पूरा मामला क्या है, पेश है ये रिपोर्ट। यह है इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले मुस्लिम युवक। इनका ये कोर्ट मैरिज का कागज सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गया, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठन उतरे और मंगलवार को सिहोरा नगर बंद करा दिया। बंद मुकम्मल भी रहा, लेकिन इस बीच सुरक्षा की मांग पर युवक और युवती हाई कोर्ट में पेश हो गए। कोर्ट में पेश होने से पहले युवती ने रजामंदी से मुस्लिम दोस्त से शादी करने की बात कह दी और अपने परिजनों से ही अपनी जान को खतरा बता दिया। हम दोनों ने राजी खुशी अपनी अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव और प्रेशर के खुशी खुशी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अप्लाई किया है, जो कि पूरी तरीके से लॉफुल है। मुझे जो है अपने परिवार अपने खानदान से जो है खतरा है अपनी जान का। जो लड़की है उसकी मना स्थिति ठीक नहीं है और कम से कम 15 दिन के लिए सोच विचार के लिए उन्हें समय दिया, तो इस फैसले का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के द्वारा एक सामाजिक चेतना के उद्देश्य से संपूर्ण नगर बंद का आह्वान किया, उसके लिए भी मैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके कहीं ना कहीं ये मैसेज सामाजिक चेतना के लिए जाएगा। इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर मचे बवाल पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने निजी जीवन का फैसला लेने का मौलिक अधिकार है। देश में हर व्यक्ति अपनी पसंद से शादी का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने हिंदू युवती और मुस्लिम युवक पर हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा के आदेश दे दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि शादी की तारीख तक युवती के लिए नारी निकेतन में रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। 11 नवंबर तक कोई भी परिजन युवती से संपर्क न करने पाए। 11 नवंबर तक अपनी शादी के फैसले पर विचार के लिए युवती स्वतंत्र है। शादी के दिन युवती को पुलिस सुरक्षा में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाया जाएगा और तब तक पुलिस मुस्लिम युवक को अज्ञात स्थान पर सुरक्षित रखे। जबलपुर एसपी युवक और युवती से संपर्क करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई करें। किसी को मिलने की अनुमति नहीं है, ना फोन से कांटेक्ट करेंगे। स्पेशल कोर्ट ने स्ट्रिक्टली आदेश पास किया है, एसपी जबलपुर को निर्देशित किया है कि कोई भी किसी प्रकार से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर ये कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये साफ है कि अगर दोनों को अपनी शादी रजिस्टर करानी है तो युवती को हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना होगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी गैर मुस्लिम से शादी की इजाजत नहीं देता। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।